बहुत ही अनयूजुअल सा नाम है हिचहाइकर। इंटरनेट पे तो अहमद फराज की पोइट्री बिखरी पड़ी है, मगर जब आप गूगल करेंगे तो रॉयल डायल की शॉर्ट स्टोरी हिचहाइकर आती है, या साइमन आर्मिटेज की पोएम हिचर आती है, हिचहाइकर नहीं आती है अहमद फराज की। इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि दिस इज़ अ लेसर नोन पोएम। Now my interest in lesser known piece of art and literature is great. It's like almost you find accidentally pearl in the ocean, or you find some diamond in the pole, which rarely happens. Scientifically it does not, but whatever, symbolically it does. Now coming back to the title, why did Faraz choose that? You know, it's a very uncommon thing to choose for Urdu poetry. Seems he's talking of some English Western theme. It's true. You know, hitchhiker यहाँ पर एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं वो. He's talking of a state of mind. So what does hitchhiker actually mean? एक इंसान जो भी लोग जा रहे हैं उनसे free rides मांगे और एक जगह से दूसरी जगह जाता रहे. ये है मतलब hitchhiker का. How the title, in my opinion, is a state of mind. I'll talk about it. एक बंजारा तबीयत की बात कर रहे हैं, एक बंजारे मिजाज की बात कर रहे हैं फराज. वो कह रहे हैं कि ये वो एक ऐसा इंसान है जो ठहर नहीं सकता एक जगह. हिचहाइकर जो निकलेगा कुछ दूर किसी के साथ, उतरेगा फिर किसी और के साथ चला जाएगा, और इसी तरह से मुसलसल सफ़र में रहेगा. वो जिससे सवारी ले रहा है, जिससे राइड ले रहा है, वो भी टेम्प्ररी है, और वो जिस सफ़र में है वो भी टेम्प्ररी है, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बल्कि वो सफ़र करता ही रहेगा. अब हिचहाइकर की ज़िंदगी में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, एक एडवेंचर और एक अनसर्टेनिटी. एंड ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी विल अगेन लीड टू एडवेंचर. कोई चीज़ सर्टेन हो तो फिर एडवेंचर तो नहीं है. सो सैकड़ों लोग से मिलने के बावजूद हिचहाइकर की लाइफ में एक लोनलीनेस तो रहेगी, क्योंकि किसी भी रिश्ते को एक उम्र चाहिए, दरकार है उसको रिश्ता बनने में, मगर हिचहाइकर के पास वो वक्त नहीं है. वो किसी के साथ इतना वक्त नहीं बिताएगा कि उसका कोई रिश्ता बनेगा. कुछ रिश्ते हैं पर वो परमानेंट रिश्ते नहीं है, वो टेम्प्ररी ही सबसे मिल रहा है. अब समझ में आता है कि अहमद फराज ने ये टाइटल क्यों दिया. उर्दू में ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को बताने के लिए शायद कोई लफ्ज नहीं रहा हो इतना अप्रोप्रिएट. और सेकेंड, ये हिचहाइकर का कंसेप्ट भी काफ़ी वेस्टर्न है, जहाँ पर लोग फ्री राइड्स लेते हैं, हमारे यहाँ उतना कॉमन नहीं है. तो मेरे ख्याल से ये मोस्ट एप्ट टाइटल था. नो अदर वर्ड कुड हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ माइंड मोर देन अ हिचहाइक. ओके, सो आई स्टार्ट विद द पोएम. मैं कि दो रोज का मेहमान तेरे शहर में था, अब चला हूं तो कोई फैसला कर भी न सका. द हिचहाइकर इज इन द बिलवड सिटी. अब इस शहर ने मुझे रोका, वरना तो मैं सफर पे ही जा रहा हूं, मगर चूंकि ये तेरा शहर है इसलिए मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है कि मैं यहां रुकूं या आगे बढ़ूं. एक डिलेमा को इंट्रोड्यूस कर देते हैं फर्स्ट टू लाइंस में ही. मैं के दो रोज का मेहमान तेरे शहर में था, अब चला हूं तो कोई फैसला कर भी न सका. जिंदगी की ये घड़ी टूटती पुल हो जैसे, जिंदगी की ये घड़ी टूटता पुल हो जैसे, कि ठहर भी न सकूं और गुजर भी न सकूं. लुक एट द मेटाफर. टूटा पुल नहीं बोलते हैं, कहते हैं टूटता पुल. इमेजिन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज जो टूट रहा हो. आप रुक भी नहीं सकते हैं, आप गुजर भी नहीं सकते हैं. वो कह रहे हैं इस मोमेंट जब मेरी डिलेमा है मेरी लाइफ में कि मैं इस शहर में रुकूं या आगे चला जाऊं, ये ऑलमोस्ट उस डिलेमा की तरह है जब मैं एक टूटते पुल पर खड़ा हूं. आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मेहरबान है तेरी आंखें मगर ऐ मोने से जां, मेहरबान है तेरी आंखें मगर ऐ मोने से जां, इनसे हर जख्म तमन्ना तो नहीं भर सकता. फराज कहते हैं कि उनका मेंटल स्टेट काफी डिस्टर्ब्ड है. वर्ड देखिए, जख्म तमन्ना. ओके, तो वो कहते हैं आई एम इन अ वेरी डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट. अब चंदन ने आपको ऑलरेडी बताया ये पोएम उस वक्त लिखी गई थी जब ये एग्जाइल में थे, तो ये पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते थे. ही वॉज अ सेल्फ इम्पोज एग्जाइल, ही वॉज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ब्रिटेन, कैनेडा, यूरोप. तो ऑब्वियसली काफी तकलीफ में थे. तो कहते हैं कि जख्म तमन्ना जैसा मेरा स्टेट ऑफ माइंड है. And your eyes are incapable of healing my wounds of desire. मेहरबान है तेरी आंखें मगर ऐ मोने से जां, इनसे हर जख्म में तमन्ना तो नहीं भर सकता,
ऐसी बेनाम मसाफत हो तो मंजिल कैसी, ऐसी बेनाम मसाफत हो तो मंजिल कैसी, कोई बस्ती हो बसेरा ही नहीं कर सकता। अब कहते हैं कि मेरे रास्ते बेनाम हैं, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, मुझे रास्तों पे चलना है क्योंकि मुझसे रुका नहीं जाता। मैं अपनी जात से परेशान हूँ, चलना भी रेमेडी नहीं है, मगर मैं और क्या कर सकता हूँ। अब बस्ती लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, शहर नहीं कहते हैं, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं शायद कि मैं ठहर तो सकता हूँ मगर वहाँ का हो नहीं सकता। मैं ठहर तो सकता हूँ मगर वहाँ का हो नहीं सकता। आगे कहते हैं, एक मुद्दत हुई लहलाए वतन से बिछड़े, अब भी रिश्ते हैं मगर जख्म पुराने मेरे। जब से सरसर मेरे गुलशन में चली है तब से, बर्गे आवारा की मानिंद ठिकाने मेरे। बर्गे आवारा इज मे बी इट कैन बी ऑटमनल लीफ, अ लीफ दैट फॉल्स फ्रॉम द ट्री एंड इज मूविंग हियर एंड देयर एंड इट हैज नो प्लेस टू गो। तो वो कहते हैं कि जब से मैं अपने वतन से बिछड़ा हूँ और जब से सरसर हवा चली है, द इनजस्टिसेस, द एट्रोसिटीज एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन माय कंट्री, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिंस व्हेन आई हैव मूव्ड आउट ऑफ माय कंट्री, यू नो आई एम लाइक अ बर्गे आवारा, आई एम लाइक अ ऑटमनल लीफ हु डज नॉट नो वेयर टू रेस्ट, इट्स जस्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड ही गोज ऑन टू से, जब से सरसर मेरे गुलशन में चली है तब से, बर्गे आवारा के माने ठिकाने मेरे, आज इस शहर कल उस शहर का रास्ता लेना, आज इस शहर कल उस शहर का रास्ता लेना, हाय क्या चीज गरीबुल वतनी होती है। दिस इज द वर्ड गरीबुल वतनी। नाउ गरीब इज अ वर्ड दैट वी यूज इज पॉवर्टी, बट एक्चुअली गरीबुल वतनी इज द वर्ड वेयर गरीब वॉज यूज, यू नो इट मेंट डिप्राइव्ड ऑफ योर ओन कंट्री। सो ये यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाता है। अब देखिए, ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट तो है, बट देयर इज अ यूनिवर्सल अपील आल्सो, बिकॉज इट डज नॉट नेम द प्लेसेस। अ ग्रेट पोएट इज ऑलवेज ग्रेट लाइक दैट, देयर विल ऑलवेज बी यूनिवर्सल अपील। इट अप्लाइज टू एनीवन, एनी एक्सपैट्रिएट, एनी पर्सन हु इज अवे फ्रॉम हिज कंट्री। एंड ही सेज, ये सफर इतना मुसलसल है कि थक हार के भी, ये सफर इतना मुसलसल है कि थक हार के भी बैठ जाता हूँ जहाँ छांव घनी होती है। कहते मैं रुकना नहीं चाहता, आई एम अ हिचहाइकर, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वॉट ऑप्शन डू आई हैव, आई कीप मूविंग बट देन मैं इतना थक जाता हूँ मेंटली एज वेल एज फिजिकली दैट आई हैव टू स्टॉप समवेयर लुकिंग फॉर अ बॉबर, सम काइंड ऑफ कामनेस, सम काइंड ऑफ पीस आई एम लुकिंग फॉर, एंड दैट इज द रीजन आई स्टॉप एट वेरियस प्लेसेस। अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन हु कैन नॉट कम बैक टू हिज कंट्री एंड हाउ ही इज फीलिंग। तू भी ऐसा ही दिल आराम शजर है जिसने मुझको इस दश्त कयामत से बचा रखा, तू भी ऐसा ही दिल आराम शजर है जिसने मुझको इस दश्त कयामत से बचा रखा, एक आशुफ्ता सरो आबला पाकी खातिर कभी जुल्फों कभी पलकों को बिछाए रखा। नाउ हियर अगेन द टू कम बैक्स, यू नो इन द बिगिनिंग ही हैज सेड कि मैं इस शहर में हूँ, अपने बिलवड के शहर में हूँ, मैं रुकूँ या जाऊँ। अब वो उनसे बात करें और कहते हैं कि ये शुक्र है कि तुम हो, मैं आशुक्त, आई एम अफ्लिक्टेड, मैं आशुक्ता सर हूँ और आबला पाँव हूँ, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं चलते चलते। और नहीं कहते हैं कि पलकों के साए हैं, वो कहते हैं पलकों को बिछाया है, कनेक्टिंग विद द आबला पा, पैर में छाले हैं तो तुमने अपनी पलकों को बिछाया है ताकि इन माई पेन इन माई एफ्लिक्शन आई गेट सम काइंड ऑफ रिलीफ। सो ही एक्सेप्ट्स that this city, now this can be the city, this can be the beloved, this is a technique which is typically used by poet, the beloved might not exist, but when you are going to talk about some topic which is related to wilderness, the imaginary beloved is created so that the theme can be dealt with romantically. तो इन्होंने वो तू लाया यहाँ पर, वो सिटी भी हो सकता है, वो बिलवेड भी हो सकता है। वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा पेन बहुत कम हुआ है, दुख तो हर वक्त ताकुब में रहा करते हैं, यूं पनाहों में कहाँ तक कोई रह सकता है। रिमाइंड्स मी ऑफ साहिर लुधियानवी गुरेज द पोएम वेर ही सेज दैट यस द आर्म्स ऑफ द बिलवेड इज देयर बट आई कांट स्टे देयर बिकॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी यू नो दे ट्रबल मी। तो वो कहते हैं कि अगेन आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जहाँ वो कहते हैं कि येस द सैडनेस इट इज अ फॉर्मेट ऑफ लाइफ, सैडनेस विल बी देयर, दुख तो हमेशा आपका ताकुब करेगा, यू पनाहों में या मोहब्बत के पनाहों में कहाँ तक कोई रह सकता है, कब तलक रेत की दीवार संभाले कोई,
वो थकन है कि मेरा जिस्म भी ढह सकता है, वो थकन है कि मेरा जिस्म भी ढह सकता है। अजनबी लोग, नए लोग, पराई गलियां, टॉकिंग ऑफ द न्यू कंट्री वेर इज स्टेइंग, अजनबी लोग, नए लोग, पराई गलियां, जिंदगी ऐसे कराइन में कटेगी कैसे? हाउ कैन आई कीप ऑन लिविंग इन अ प्लेस वेर आई डोंट फील द बिलोंगिंगनेस? जिंदगी ऐसे कराइन में कटेगी कैसे? तेरी चाहत भी मुकद्दस, तेरी कुर्बत भी बहिश्त, तेरी चाहत भी मुकद्दस, तेरी कुर्बत भी बहिश्त, देश परदेश की तफरीक घटेगी कैसे? How will I overcome the difference, the discrimination between my own country and this place? It's almost like paradise, everything is there, but that feeling is not there. Shair apni zaat ke bare mein bhi yahan pe bayan kar raha hai, wo keh raha hai ki may the sadness of my own self you cannot be evaded. You know, main ret ki deewar ki tarah hu, kabhi bhi dheh sakta hu. And then he goes on to say, Na guzir aaj hua jaise bichhadna apna, कल किसी रोज मुलाकात भी इम्कान में है. द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, यू नो, लाइफ इज लाइक दैट, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज. सो आज इट इज इनएविटेबल कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम अ हिचहाइकर, आई एम नॉट स्टेइंग एट एनी वन प्लेस. मगर ये इम्कान है, ये पॉसिबिलिटी है दैट वी विल मीट समटाइम. मैं ये पैराहने जा कैसे बदल सकता हूँ? मैं ये पैराहने जा, ये लास्ट टू लाइन्स हैं एंड दे आर कंक्लूसिव. मैं ये पैराहने जा कैसे बदल सकता हूँ कि तेरा हाथ मेरे दिल के गरेबा में है. सो ही सी द ब्यूटी, देयर आर सो मेनी पैराडॉक्सेस एंड थिंग्स व्हिच आर कॉन्ट्रडिक्टेड टू ईच अदर हियर. ही सेज आई कैन नॉट स्टॉप, यू नो, आई नो यू लव मी एंड यू आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ पीस एंड काम टू मी. आई कैन नॉट स्टॉप, I'm a hitchhiker. I belong to my own country. I'm just moving from one place to another. But I do realize कि आपका contribution मेरे अंदर बहुत है. Our separation is inevitable. I'm a hitchhiker. I have to make a move. But what is not possible today shall be possible tomorrow. The last two lines are the acceptance of the presence of beloved's love in his being. Your love is a part of me. It is always with me. It is a part of my dil, my jaan. I always live in the possibility of meeting you. Now, mere dimag mein aaya ki pairahane ja can be something else also. It can also be that he does not want to give up on life. He says, "I'm no matter how troubled I am, I'm not going to give up on life. I'm not going to commit suicide." You know, or it can also be I cannot give up on the need of moving from one place to another. सैकड़ों जख्म सही मेरी जान मेरी रूह पर, मगर तेरा हाथ है, मैं तेरा होना महसूस करता हूँ. मगर चाहूँ भी तो ये जात का लिबास नहीं बदल सकता. मगर हाँ, मैं कितना भी बेजार हो जाऊँ, आई विल नेवर लेट गो ऑफ दिस पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग यू. शुक्रिया.